मित्रों, मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अथवा तो 10th एंड तो 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए आप सबको ढेर सारी बेस्ट विशेष देने के लिए आया हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए आता हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने आया हूँ कि आप इन परीक्षाओं में बहुत अच्छा स्कोर करके एक अच्छे परसेंटेज के साथ आप आगे बढ़ें। आज 13 दिसंबर 2017 के दिन रोहित शर्मा ने 7वीं डबल सेंचुरी ठोक दी। फरवरी 2010 में जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी थी, तब जाके 6-7 साल का जो पुराना एक इतिहास था, एक मिथ था कि 50-50 लिमिटेड मैचेस के ओवर में कभी भी डबल सेंचुरी नहीं मारी जा सकती थी, इस मिथ को पहली बार तेंदुलकर ने तोड़ा था। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने, उसके बाद रोहित शर्मा ने, उसके बाद गुप्तिल ने, उसके बाद गेल ने, उसके वापस आए रोहित शर्मा ने, तीसरी बार डबल सेंचुरी ठोक करके इस मिथ को बाईगॉन बिलीव कर दिया। ऐसे दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल हैं। 1903 में ब्रिटिश से एक ओलंपिक कोच ने कहा था कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के बॉडी के लिए इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू क्रॉस 1 माइल डिस्टेंस इन लेस देन 4 मिनट्स। एंड लगभग 53 या 54 साल के बाद एक बंदे ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और उसके बाद भगवान जाने कितनी बार इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया। 1955 के आसपास किसी आदमी ने ऐसा कहा था कि धरती के गुरुत्वाकर्षण के बाहर किसी चीज को ले जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 1969 में उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया। ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो लोगों ने पहले कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो सब चीजें पॉसिबल हुई हैं। मित्रों, मेरा ऐसा एक कंसर्न है, मेरा बहुत सीरियस कंसर्न है। मैं गुजरात में और गुजरात के बाहर अलग अलग एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहा हूँ, और मेरे अपने एक सीरियस कंसर्न जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। अलग अलग पिक्चरों, अलग अलग विचार फ्रीलांसर्स के नाते एक हमारे समाज में एक गलत धारणा और गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि स्कूल या कॉलेज में जो हम स्कोर करते हैं उसे स्कोर का लाइफ पे बहुत ज़्यादा कोई सेंस या बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परसेंटेज का लाइफ में और करियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। द मोमेंट आप इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप इनिशियल लेवल ऑफ करियर की आप बिगनिंग करते हैं, सो माई कंसर्न इज़ वेरी क्लियर कि अच्छा परसेंटेज स्कोर करना हमारी नीड है। क्यों? क्योंकि जीतना और सफल होना ये एक आदत होती है। द मोमेंट आप स्कूल में अथवा यूनिवर्सिटी अथवा सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन में और अलग अलग जो परीक्षाएं होती है, टेस्ट होते हैं, उसमें आप स्कोर करते हैं, उसमें एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स लाते हैं, आप टॉप करते हैं, तो ये एक आदत डेवलप होती है आपके अंदर। और आदत रातों रात नहीं पड़ती, अच्छी आदतें बनानी पड़ती हैं, पुरानी आदतें, खराब आदतें अपने आप आ जाती हैं। घर को साफ रखना पड़ता है, घर गंदा अपने आप हो जाता है। शरीर को साफ करना पड़ता है नहा धो करके, वरना शरीर गंदा हो जाता है। आपको बहुत सारी आपकी लैंग्वेज में वोकैबुलरी ऐसी होगी जो आज तक किसी स्कूल या किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन उसके बाद भी उन शब्दों का अपने आप आपके अंदर आ जाता है और आप उसका उपयोग भी चाहे अनचाहे बहुत बार कर जाते हैं। बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो आपके दिमाग में डाले नहीं गए हैं, किसी ने आपको सिखाया नहीं, उसके बाद भी वो विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि खराब चीजों को कहीं से लाना नहीं पड़ता है। गेहूं की खेती या धान की खेती जब आप की जाती है, तो कोई भी फसल की खेती की जाती है, तो बीज हम सिर्फ फसल के डालते हैं, घास और पतवार अपने आप उग जाते हैं, उनको हमको मारना या निकालना पड़ता है। माय कंसर्न इज कि खराब आदतें अपने आप आती हैं, मोटापा अपने आप आता है। आपको शरीर को शेप में रखने के लिए, अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए आपको उसके लिए अलग से परिश्रम करनी पड़ती है। सुबह नींद और आलस सबको आती है, लेकिन सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना, सैर करना, ये आदत आपको डेवलप करनी पड़ती है। मित्रों, अच्छी आदत डेवलप करनी पड़ती है, अच्छे मित्र खोजने पड़ते हैं, अच्छे सलाहकार ढूंढने पड़ते हैं। दुर्योधन का सलाहकार था मामा शकुनी और अर्जुन के सलाहकार थे भगवान श्री कृष्ण। कम शक्ति, कम पावर, कम आयुध होने के बावजूद भी अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसी बड़ी सेना को लेकर के भी न जीत सका, क्योंकि सलाहकार इधर कृष्ण थे, सलाहकार उधर दुर्योधन शकुनी था। कैकेयी के सबसे प्रिय राम थे और राम के सबसे प्रिय कैकेयी थे, लेकिन कैकेयी के संपर्क में मंथरा के आने के बाद उसी कैकेयी के नाते भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। भगवान राम की सेना दरिया के इस पार खड़ी होकर के वेट कर रही थी कि उस पार कौन जाएगा और लंका में कौन पहुंचेगा। और उसी समय एक सही सलाहकार ने एक सही टैलेंटेड व्यक्ति को ढूंढा, दैट इज हनुमान जी को। बजामंत कहते हैं, राम काज तहु लई अवतारा, राम काज लही तहु अवतारा, सुनत ही भय हूं पर्वताकारा। और जो ही भगवान हनुमान जी को याद दिलाते हैं जामवंत कि आपके अंदर वो शक्ति है, असीम शक्ति और ऊर्जा है, आप चाहें तो लंका पहुंच सकते हैं, और तुरंत हनुमान जी खड़ा होकर के और उसके बाद लंका जाते हैं, और आपको पता है आगे क्या होता है। मित्रों, दुनिया असीम संभावनाओं से भरी पड़ी है। रोज आपको साबित करना है, रोज आपको साबित करना है कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर असीम ऊर्जा और संभावनाएं हैं। यह समय है, यह हर एक एग्जाम आपको अपने आप को साबित करने का मौका है।
मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को साबित करें, अपने आप को प्रूव करें, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, अपने अंदर एक मेटल है, इस चीज को आप दिखाएं। जितना ज्यादा इस चीज को आप दिखाएंगे, जितना ज्यादा आप उसको महसूस करेंगे, आने वाले समय में वो चीजें आपको उतनी ज्यादा हेल्पफुल यूजफुल एंड आपको आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी के तौर पर काम आएंगी। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आप सबको खूब सारा अच्छा परफॉर्म करें इन एग्जामिनेशंस में, खूब बढ़िया स्कोर के साथ आप इन एग्जामिनेशंस को पास करें। इन शुभकामनाओं के लिए परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। मैं आप सबको अच्छे से एग्जाम दीजिए, इसके लिए एक अच्छे मनोस्थिति से जाइए, क्योंकि हर एक शरीर के लिए एक पर्टिकुलर वजन उठाने की लिमिटेशन होती है। उससे ज़्यादा आप वजन दे दो तो वो शरीर नहीं उठा सकता। एक प्लेन जब हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसके पास एक लिमिटेड वजन उठाने की कैपेसिटी होती है। उससे ज्यादा आप वजन दे दो तो हवाई जहाज उड़ेगा नहीं। उसी तरह से हमारे दिमाग की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। आप उतना ही डेटा उसमें फीड करिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम से कनेक्टेड है। बाकी डेटा को आप धीरे धीरे रिमूव करिए, मित्रों को रिमूव करिए, उन मित्रों को साथ लाइए जो आपके लिए आपके एग्जाम और आपके गोल को लेकर के सेट होते हों, उसके साथ चलते हों। क्योंकि अगर आपके 9 दोस्त ऐसे हैं जो टॉपर हैं, जो अच्छे परसेंटेज स्कोर करने वाले हैं, उनके साथ रहते रहते आप 10वें टॉपर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर 9 नालायक दोस्त आपने बना लिए हैं तो आप चाहे जितने भी अच्छे रहो, धीरे धीरे आप भी 10वें उन्हीं की कैटेगरी के व्यक्ति बन सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अच्छे लायक और एलिजिबल व्यक्ति बने। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आपको मेरे वीडियोज देखने और शेयर करने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद।